आप देखो गाइस यहां से व्यू देखो, आप लोग भी तो एंजॉय करो यार थोड़ा। वाह ही क्या बोलूं भाई। तो यहाँ से है अपना शिमला 60 किलोमीटर। क्या बात है देखो, अभी आग लगी हुई है कि कुछ और सीन है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन आवर चैनल शेकी राइडर। आज एक्साइटमेंट दिख रही होगी, अगर नहीं दिख रही तो, लेकिन मैं अंदर से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे पैकिंग चल रही है, अपना कैमरा रेडी है, वहाँ पे अपना ट्राइपॉड रेडी है, वहाँ पे बैकपैक रेडी है, टाइटल पढ़ लिया होगा। हम लोग जा रहे हैं लॉन्ग ट्रिप पे, लॉन्ग राइड पे, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा क्योंकि मैं हिमाचल जा रहा हूँ। ऑफकोर्स हिमाचल बहुत अच्छी जगह है यार, बहुत सारी आपने राइड की वीडियो देखी होगी। तो हम लोग अपनी 300 पे जा रहे हैं, तो काफ़ी टफ होने वाला है मेरे पास क्योंकि स्पोर्ट्स टूर कैटेगरी की वो बाइक है। सो एक्साइटेड तो मैं हूँ, बट चैलेंजेस बहुत आएंगे तो उसके लिए भी फेस करना पड़ेगा उसको जैसे भी। तो फटाफट से पैकिंग हो गया है, हम लोग मैं जा रहा हूँ, अब थोड़ी देर रुकूँगा बाइक पे, पेट्रोल भरवाऊँगा पेट्रोल, फिर हम लोग निकलेंगे। एंड फर्स्ट स्टॉप हम लोग आई थिंक सो होगा मूथन में, फिर मैं बाकी की बात आगे करता हूँ। प्लीज़ पूरी वीडियो देखना, आई थिंक सो कि इस पूरे ट्रिप की 2 या 3 पार्ट आएंगे। सो प्लीज़ सारी वीडियो देखना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। सो आई विल कैच यू ऑल इन द अदर साइड। सो गाइस फाइनली अब हम लोगों ने भरवा लिया है पेट्रोल और हम लोग निकल रहे हैं। हमारे साथ है मनदीप भाई बनेली में अपनी। एंड अभी हम लोग फर्स्ट स्टॉप गाइस हम लोगों ने सोचा है अपना मूर्थल रखेंगे, जो कि यहाँ से है 75 किलोमीटर्स के आसपास। तो गाइस हम लोग सही टाइम पे निकल रहे हैं, 9:40 हो रहे हैं, क्योंकि थोड़ा जल्दी निकलते तो जाम बहुत मिलता। अभी भी जाम बहुत है बट स्टिल थोड़ा सा कम है। एंड फटाफट यहाँ से निकलते हैं, फिर पहुँचते हैं मूर्थल। बीच बीच में थोड़ा कम ही रिकॉर्ड करूँगा क्योंकि अंधेरा है ज़्यादा। सो आप लोगों को मूर्थल में मिलूँगा मैं, और बीच में थोड़े से शॉर्ट्स आप लोग देख लेना अगर रिकॉर्ड हो गए तो। बाकी यहाँ पे रोड खराब होने के वजह से डबल लेन बनी हुई, एक लेन को डबल लेन बनाया हुआ। फाइनली अब थोड़ा सा जाम खुल चुका है क्योंकि अब हम लोग हाईवे पे चल रहे हैं, फ्लाईओवर्स पे आ गए हम लोग, तो अब थोड़ा सा जाम खुल चुका है। एंड यहाँ से मूर्थल आया कम से कम 60 किलोमीटर के आसपास होगा यहाँ से मूर्थल, और अभी इस टाइम पे हो रहा है 9:50। लेट्स सी 10:50 तक तो हम लोग को पहुँच जाना चाहिए मूर्थल, बट डिपेंड ऑन स्पीड। हम लोग को ज़्यादा स्पीड में भी नहीं चला सकते क्योंकि वहाँ पे स्पीड कैमराज लग गए हैं। सो आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेट पहुँचेंगे बट सही सलामत पहुँचना है हमें वहाँ पर, तो आराम से चलेंगे। हो तो मूर्थल ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, मन्नत आ गया है, उसके बाद होगा अमरिक सुखदेव, गुलशन ढाबा, मन्नत। अब इस लाइन में ढाबे हैं, ढाबा ही ढाबा, और रूम्स भी है यहाँ पे अगर किसी को स्टे करना हो उसके लिए। बाकी रात में यार दिन से ज़्यादा भीड़ रात में होती है ढाबों में, इतना तो कन्फर्म है। ये देखो ढाबा एंड एसी रूम, कोई सा भी ढाबा हो, बट मैं मोस्टली क्या, मैं 100% जब भी आया हूँ यहाँ पे मैं अमरिक सुखदेव ही गया हूँ क्योंकि वहाँ की चाय और पराठे बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। या बॉय लेट्स फकिंग गो। पार्किंग लगता नहीं मुझे होगी यहाँ पे। लेट्स सी पार्किंग मिलेगी कि नहीं। पार्किंग फुल, चलो हमें तो मिल गई पार्किंग भैया। भीड़ देखो भाई,
सीटें खाली नहीं है, लोग खड़े हैं लिटरली। ओह माय गॉड, खुश हो बाइक लेके? अबे खाने का ऑर्डर खा के दे दिया, मैं खा रहा हूँ डोसा और भाई खा रहे हैं लच्छा पराठा। ये रही अपनी कुल्लड़ वाली चाय। Cheers. So finally निकल चुके हैं अमृत सुखदेव से बाहर, और अमृत सुखदेव और हम लोग को जाना है इस वाली रोड पे सीधा। भाई लगा रहे मैप, सो अब निकलते हैं फिर आगे जहाँ पे मैं रुकूँगा वहाँ पे थोड़ा सा अपडेट देता हूँ आप लोगों को। कौन सा हम लोग का ये स्टॉप नंबर है? हम लोग 162 किलोमीटर चला चुके हैं मूर्सल से, एंड ऑलमोस्ट 163 किलोमीटर। यहाँ से 100 किलोमीटर और होगा, चंडीगढ़ में एंट्री हो चुकी है हमारी, चंडीगढ़ में एंट्री हो चुकी है हमारा मूर्सल के बाद चौथा। सत्यनाम दढ़ावा चंडीगढ़ में, तब यहाँ से 100 किलोमीटर और है, ये रुकेंगे इसके बाद डायरेक्ट पहुँचेंगे शिमला। फाइनली अब निकल रहे हैं, यहाँ पे लिया हम लोगों ने आधा घंटे का ब्रेक एंड मज़ा आ गया भाई। आधा घंटे का ब्रेक लेके फुल रिलैक्स हो गए हम लोग। शिमला के लिए हमें मुड़ना है लेफ्ट, हम लोग जाएंगे यहाँ से लेफ्ट शिमला। ओ माउंटेन्स, पहाड़ 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 पहाड़, नॉट पहाड़ पहाड़। तो गाइस फाइनली दिखने स्टार्ट हो चुके हैं, साइड में माउंटेन्स है, इस साइड भी है, छोटे छोटे हैं ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बट उस पर भी लाइट्स जल रही है, मतलब ऊपर लोग रहते हैं। तो फाइनली माउंटेन स्टार्ट हो गया, पता नहीं आप लोगों को दिख रहे होंगे कि नहीं, अगर इस साइड ध्यान से देखो तो वहाँ पे लाइट जल रही है छोटी छोटी, तो और वहाँ पे भी दिख रहा है मुझे दूर पे। सो यहीं पे पहाड़ियाँ हैं, स्टार्ट हो चुकी है, अब आएगा ना असली मज़ा, लेट्स गो। और थोड़ा सा भराएंगे पेट्रोल, वैसे मेरी गाड़ी में तो पेट्रोल है ही, भाई को भरवाना है, लेट्स सी क्या बातचीत है, उसके बाद मैं अपडेट करता हूँ आप लोगों। तो चलो पहले फटाफट भरवा लेते हैं थोड़ा सा पेट्रोल, उसके बाद जाएंगे सामने वो वाले पहाड़ों पे, लेट्स गो। तो गाइज आई होप कि आप लोग को दिख रहे हो, जब तक हम लोगों ने पेट्रोल भरवाया तब तक हो गया था थोड़ा थोड़ा उजाला, तो उस साइड ही पूरे प्रॉपर पहाड़ है, सामने भी पहाड़ है, इस साइड का पता नहीं बट उस साइड पूरे पहाड़ है और इधर भी पूरे पहाड़ है, और इस साइड में डैम भी है, बट वो तो अभी मैं फ़िलहाल नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि वो उस साइड है। सो यप, अब आएगी मज़ा, अब आएगा रियल फन, लेट्स गो। अभी थोड़ा सा और उजाला होगा तब और मजी आएगी। वेलकम टू हिमाचल प्रदेश, फाइनली हिमाचल प्रदेश में हम लोगों ने मार ली है अपनी एंट्री, और प्रॉपर पहाड़ों के बीच में हम लोग आ चुके हैं। अब धीरे 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 पूरे पहाड़ चढ़ेंगे, अभी यहाँ से दिखा रहा है 80 किलोमीटर शिमला, तो जहाँ हम लोग पहले 80 किलोमीटर 80 मिनट में कवर कर रहे थे वहाँ पे हमें लगेंगे 2 घंटे। सो यप, अभी थोड़ा सा और उजाला हो जाए फिर जो मज़ा आएगी ना प्रॉपर, जब हम लोग ऊपर पहाड़ पे चढ़ने लगेंगे तब तक तो हो ही जाएगी उजाला। सो बहुत मज़ा आने वाला है इस, मुझे भी और आप लोगों को भी, जितना दिखा सकता हूँ दिखाऊँगा आप लोग को, सो बने रहिएगा यार पूरे वीडियो में। चेंज हो गया गाइस, पहले ये सब ना काफ़ी टाइम पहले, अभी तो नहीं, कच्चे थे ये सारे रोड, और अभी देखो भाई साहब हाईवे जैसी रोड बनाई हुई पूरी, मज़ा आ रहा चलाने में, पूरा फुल ऑन मज़े, फुल ऑन मज़ेदार।
और अब धीरे धीरे सब खुल जाएगा और मजे आएंगे। कितने बज रहे हैं अभी? तो 5:30 हुए हैं। काफ़ी चीज़ें मुझे खुलती हुई दिख चुकी है, कैफे वगैरह। एंड आई लव कसौली। अभी हम लोग कसौली में हैं। ओके, ये बार प्रॉपर हो जाएगा, इसे को प्रॉपर उजाला हो जाता है, फिर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। एंड अभी थोड़ी देर में रुकेंगे, फिर वहाँ से व्लॉगिंग करूँगा मैं फ़ोन से और नज़ारे रिकॉर्ड करूँगा आप लोगों के लिए। तो चलो, तो यहाँ से है अपना शिमला 60 किलोमीटर। सनराइज़ हो चुकी है उस साइड, ध्यान से देखो। अभी इस साइड नहीं हुई क्योंकि हम लोग अभी जस्ट पहाड़ के नीचे हैं। तो अभी ये वाला पहाड़ पार करके हम भी अब धूप में आ जाएंगे। और 6 बजे, एग्जैक्ट 6 बजे यहाँ पे सनराइज़ हो चुकी है। पूरा पहाड़ की कटिंग हो रही है भाई साहब, पूरा बनाया जा रहा है भाई। लेकिन रोड कमाल की है, एक भी अभी तक गड्ढा नहीं दिखा मुझे। तो रोड अभी तक फ़िलहाल बहुत अच्छी चल रही है। एंड मोर राइडर्स, क्या बात है ये देखो। अब ये आग लगी हुई है कि कुछ और सीन है? तो गाइस अभी हम लोग ना एक रेस्टोरेंट में रुके हैं, यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे मैं इसे day 1 का अपना यहाँ पे व्लॉग एंड करता हूँ, क्योंकि अब यहाँ से हम लोग का शिमला बचा है 40 किलोमीटर, जहाँ में 1.5 घंटा और लगेगा। तो ये ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो ये यहाँ तक रखेंगे आज इस वीडियो को। फिर इसके बाद मैं एक और कंटिन्यू करूँगा आगे, जो आप लोग सेकेंड पार्ट में देखना, तो वो डायरेक्ट शिमला से स्टार्ट होगी। सो यस, आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा वीडियो को। बीच में आप लोगों ने सुबह वाले शॉर्ट्स देखे होंगे, उसमें वो बहुत अच्छे लगे होंगे। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, पीस आउट एंड हैव अ ग्रेट डे।